आबकारी विभाग की गारंटी नीति के विरोध में कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का विरोध प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। विरोध प्रदर्शन में आज शराब ठेकेदारों ने आबकारी विभाग कार्यालय के सामने सद्बुद्धि यज्ञ किया, जिसमें कोटा शहर के सभी शराब ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद पारिता ने बताया कि आबकारी नीति के विरोध में यह प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आबकारी विभाग की गारंटी नीति के विरुद्ध कोटा के जो शराब ठेकेदार हैं उनका विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन जारी है। आज विरोध प्रदर्शन के इस क्रम में ये लोग सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस जगह पे कि कोटा के शराब ठेकेदारों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया जा रहा है। हम आपको इस पूरे प्रकरण से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे दिन आज शराब ठेकेदार राज्य सरकार की आबकारी नीति के विरोध में सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष अग्रवाल हैं, हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह का यज्ञ है और इसके पीछे मकसद क्या है। सरकार द्वारा जिस तरह की गारंटी योजना बनाई है, 20% दारू बिकती नहीं है और 100% हमें बिलिंग के लिए दिया जा रहा है, 80% बकाया माल को हम कहाँ डालें। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारी दुकानें भले आज ही सिलेंडर कर ले और आज तक का बकाया हम चुका कर दुकानें सिलेंडर कराना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्वयं चलावे इन दुकानों को। गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी कर्जदार रहें। हम ये चाहते हैं कि हमारी इस नीति में चेंज किया जाए। BLF जो हमारे ऊपर लगाई जाती है वो उसी माल पर लगाई जाती है जो लगाई जावे जो हम उठाते हैं। किसी बात आप भी इस यज्ञ में शामिल हैं, आप ठेकेदार हैं, आपका क्या कहना है। आबकारी विभाग ने अप्रैल महीने में जो दुकानें पूरी राशि में निकाली थी उसको अभी भी जो लोगों के बकाया चल रहे हैं, कई दुकानों के 50-50, 60-60 लाख रुपए बकाया हैं दुकानों के, ना तो आबकारी विभाग उन दुकानों को सिलेंडर कर रही, उन पे ना कोई मुकदमा बना रही, उन पे अगर ताले लगा जाए, अंकुश लगा जाए तो हम लोगों का माल बिकेगा और हमारी BLF जो माल नहीं उठाते उस BLF को गवर्नमेंट को छूट देना चाहिए हमें, यही बात है। हमारे साथ अभी कोटा वाइन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। विनोद जी, इस बारे में आपका क्या कहना है, ये यज्ञ किस तरीके से चलेगा, संघर्ष किस तरीके से। आबकारी नीति के विरोध में हमारा आज दूसरे दिन सांकेतिक धरना एवं यज्ञ है। हम इस धरने को रेगुलर बढ़ाते जाएंगे। तो लगातार जारी है ये संघर्ष। समस्या ये बात की है, लड़ाई इस बात की है कि सरकार ने गारंटी योजना बना दी है आबकारी नीति में कि शराब ठेकेदारों को बाध्य किया जा रहा है कि वो मिनिमम जो सरकार का प्लान है उस उतनी शराब लें और उसको बेचें। A1 TV के लिए कोटा से प्रणय विजय।